देश में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। गुजरात जैसे बड़े राज्यों ने जहां फीस को लेकर पुख्ता पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, वहीं यूपी में भी स्कूल प्रशासन की मनमानी को लेकर अभिभावक काफी परेशान हैं। आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं किस तरीके से विरोध जता रहे हैं पेरेंट्स। पहली तस्वीर आपको दिखाएं हम संभल की। आप देखिए एक साथ दो तस्वीरें। संभल की तस्वीर पहली है, यहां अभिभावकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के खिलाफ विरोध जताया है। आपको बताएं कि संभल जिले के स्कूली बच्चों के अभिभावकों समेत कई सामाजिक संगठन बीते 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि स्कूल प्रशासन अनाप शनाप फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं। वहीं CBSE ने एफिलिएटेड स्कूलों को साफ कर दिया है कि वो कारोबार से दूर रहें, यानी किताब कॉपी और यूनिफॉर्म जैसी चीज़ों को ना बेचें और अपने कैंपस में इस तरह की दुकानें ना खुलने दें। और सुनील सिंह संभल से हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। सुनील, ये बताइए कि यहाँ अभिभावकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया है, यानी कि स्कूल संचालक सुन ही नहीं रहे हैं, लगातार 10-20 रोज से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये स्थिति आ गई है कि इनकी एक नहीं सुनी जा रही है। अब इस प्रदर्शन के बाद क्या असर पड़ा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभल जनपद में जितने भी यहाँ पर ये कई शहर और कस्बे ग्रामीण इलाकों में अभिभावक जो हैं स्कूल की मनमानी से काफी परेशान हैं और लगातार 20 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर कुछ अभिभावकों ने अपने खून से CM योगी की चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि निजी स्कूल संचालक जो है उनके मतलब कुछ प्रताप से मिली रहा थे और प्रशासन जो है किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई 20 दिन में अभी तक स्कूल संचालक के खिलाफ नहीं कर पाया है। अब जबकि कल भैंस के आगे बीन बजाने के बाद और अभिभावकों का ये कहना है अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वो आज से आमरण अनशन शुरू करेंगे। आप रहिए हमारे साथ, आगे हम दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन चल रहा है। तो संभल में अभिभावकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना प्रदर्शन किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने एफिलिएटेड स्कूलों को चेतावनी दी है कि वो किताबों, बच्चों की ड्रेस और स्टेशनरी बेचना बंद करें। बोर्ड ने गुरुवार को एडवाइजरी जारी की और कहा कि बोर्ड से जुड़े शिक्षा संस्थान कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। स्कूलों में किताब, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी की बिक्री एफिलिएशन की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन है। स्कूलों को भेजे गए पत्र में बोर्ड ने यह कहा है कि अभिभावकों की ओर से मिल रही शिकायतों को उसने गंभीरता से लिया है और स्कूलों को यहां कड़ा निर्देश है कि वो अभिभावकों को पुस्तकें, नोटबुक, स्कूल ड्रेस, जूते, बस्ते, ये सब स्कूल परिसर या फिर चुनिंदा जो दुकानदार हैं, विक्रेता हैं, उनसे खरीदने के लिए बच्चों को बाध्य ना करें। शर्तों के अनुसार स्कूल सामुदायिक सेवा है और यहां ये कारोबार नहीं है और इसलिए किसी भी रूप में स्कूल में व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। स्कूलों का एकमात्र उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना होना चाहिए और बोर्ड ने स्कूलों को अपने उस निर्देश का भी संज्ञान दिलाया है जिसमें केवल राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण की ओर से प्रकाशित पुस्तकों को ही कोर्स में शामिल किया जाए, यानी NCERT की ही किताबें स्कूलों में चलनी चाहिए, जिनका खुलेआम उल्लंघन करते हैं ये प्राइवेट स्कूल्स। शहर के चंदोसी नगर के सभी सामाजिक व व्यापारिक संगठन मिलकर सभी अभिभावकों के साथ कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं स्कूलों की मनमानी के खिलाफ। स्कूलों की मनमानी को लेकर हमने कई सारे ज्ञापन सभी सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के द्वारा उच्च अधिकारी को दिए हैं, जिस संदर्भ में उप जिलाधिकारी महोदय ने मध्यस्थता करते हुए स्कूल प्रशासन के साथ हमारी सभा भी कराई थी, जिसको स्कूलों ने दरकिनार कर दिया और SDM महोदय के आदेश की अवहेलना की। ये आप देखिए, लोगों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अपना प्रदर्शन किया, विरोध जताया कि स्कूल प्रशासन और प्रशासन इन अभिभावकों की नहीं सुन रहा है। इस बात का आक्रोश इन पर मनमानी फीस बढ़ोतरी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन।